नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय छात्रों, आज आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही हिंदी काव्य में युगांतकारी परिवर्तन परिलक्षित होता दिखाई देने लगा। भारतेंदु युगीन कविता मूलतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की हिंदी कविता है। सत्य तो यह है कि भारतेंदु युग रीति काल और आधुनिक काल के बीच की कड़ी है, क्योंकि भारतेंदु युग में एक ओर तो रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, तो दूसरी ओर उसमें आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का विकास भी होने लगा था। इस युग के अग्रदूत थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर इस काल को भारतेंदु युग कहा गया है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली है देशभक्ति का चित्रण। पराधीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए देशवासियों को जागृत करने का प्रयास भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। भारत दुर्दशा का चित्रण करते हुए भारतेंदु जी लिखते हैं, आओ सब मिली रोओ भारत भाई, आओ सब मिली रोओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। दूसरी विशेषता है विदेशी शोषण का चित्रण। अंग्रेज किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं, इसका चित्रण भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में किया है। उदाहरण प्रस्तुत है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तीसरी विशेषता है राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा की उन्नति को देश की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। विदेशी भाषा के स्थान पर हम अपनी भाषा को सम्मान दें, इसकी प्रेरणा उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखी है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटई नहीं को सूल। धन्यवाद।